हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हमने बनाया आपके लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए। तो मैं हूँ आपका भाई जे भाई दोन, और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ना, वीडियो है जी खां बाबा। दुनिया के स्ट्रोंग आदमी हैं खां बाबा, तो देखते हैं जी उनका कारनामा। हम उस बाद में होगी बातें उस पर कि क्या कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन खां बाबा, और आज हमारा चैलेंज है पिज्जा, खां बाबा वर्सेस डोमिनोज, होल डोमिनोज मेन्यू, होल पिज्जास, व्हाट आई हैव, वी विल ईट पिज्जास टुडे, एंड इट्स मी वर्सेस पिज्जास, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन वर्सेस द होल मेन्यू ऑफ डोमिनोज। So my pizzas have arrived. This was the whole flavor they have. And so the time limit is just 20 minutes, and our time starts now. It's 6:30, and we will show you the pack. One down. No. So now I want you to get this pizza near to me. I like this flavor, so I wanted to. Two pizzas. Two pizzas down, three pizzas down. There it is. Five pizzas down. Last three.
ये आखिर की जगह है। दो मिनट अभी भी रह गए हैं। द पिज्जा are down. So the challenge is on. The world's strongest man is the winner. Pizzas are down. लो जी वीडियो देखी है, वीडियो वाकई ही बड़ी अमेजिंग वीडियो है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग इतना पावरफुल आदमी और देखें उसने 8 पिज़्ज़े फिनिश कर दिए हैं। 8 पिज़्ज़े खाना कोई मैंने रखता है चीज़ यार इम्पॉसिबल, कोई आम बंदा तो ये कर नहीं सकता, आम बंदा कोई नहीं कर सकता जो उसे अकेले ने कर दिया कि 8 पिज़्ज़े वो अकेला बंदा खा गया। यार अमेजिंग वाली बात है। और ये देखें फिर कितना स्ट्रॉन्ग बंदा है, इस पर कई सवाल उठते हैं, हम भी अभी तक हमारे माइंड में भी यही बातें हैं कि जो इसने ये जो कपड़ा पहना हुआ है इसके नीचे क्या है, हमें समझ नहीं लग रही। और इसने कई दफ़ा आपको ऑफ़र की है, ग्रेट खाली साहब को भी ऑफ़र की है और सुपर खालसा को भी ऑफ़र की है कि मेरे साथ आप रेसलिंग करो आओ, मगर अभी तक हमने रेसलिंग नहीं देखी, चाहे वो मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी हो यूट्यूब पर, हमने इनकी इनकी फ़ाइट नहीं देखी हमने। मैंने वो सुपर खालसा की कई वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहा है कि आजा फिर हम मुकाबला करते हैं, वो बॉर्डर पे भी आया था, ठीक है जी, वो बड़ा उसने बार बार यही कह रहा है कि जी आओ जी मुकाबला देखें। बाकी मेरी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि यार जो रेसलर होते हैं या होते जो इनकी गेम होती है तो उनके लिए ये पिज़्ज़ा वगैरह तो नहीं खाते हैं ना, 8 पिज़्ज़ा ये तो वैसे ही एक सारा मैदा ही होता है, तो ये पिज़्ज़ा तो नहीं खाना चाहिए इनके, इनको मीट खाना चाहिए, इनको बीफ खाना चाहिए, इनको एग खाने चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह इनकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, दूध पीना चाहिए, चिकन खाना चाहिए ताकि इनकी खुराक अच्छी हो, इनका जिस्म बने। और ये अमेजिंग वाली बात है, कह रहे हैं जी कि मेरा 400 kg वज़न है, मैंने सुना है कि खान बाबा कह रहे हैं कि 400 kg वज़न है मेरा। यार अमेजिंग वाली बात है, क्योंकि मैंने एक देखा था चाइना का कि जापान का बंदा था जिसका 200 kg वज़न था और उससे चला नहीं जा रहा था, और ये खान बाबा साहब भाग भी रहे हैं, ठीक है जी, और बड़ी बड़ी कारों को भी रोक लेते हैं, बड़े 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 कारों में आपने देखे होंगे यूट्यूब पे इनके, ठीक है जी। तो ये है कि आवाम को खुश रखते हैं, इनकी वीडियो आवाम को खुश रखती हैं, बंदे देख के इंजॉय करते हैं, ठीक है जी, चाहे ये रेसलर हो या ना हो मगर बंदे इंजॉय करते हैं वीडियो देख के। अब सुपर खालसा भी रेसलर है अच्छा खासा, और ग्रेट खाली तो वो वर्ल्ड चैम्पियन है ना, WWC में उन्होंने रेसलिंग की है, उनके बड़े शो हैं, उनकी बड़ी रेसलिंग है, बड़े बड़े लोगों में जहाँ पे वो रिंग में 20-30 लोग भी थे जहाँ पर रेसलिंग इन्होंने की है। ये तो वो तो एक सुपर चैम्पियन है ना ग्रेट खाली, और ये खान बाबा साहब देख लें अपनी ताकत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें, खान बाबा की ताकत का अंदाज़ा कि ये 8 पिज़्ज़े खा गए हैं, ये अब रियल में खाए हैं या कैसे खाएं इसकी समझ हमें नहीं लग रही, मगर 8 पिज़्ज़े यार मैं नहीं रखती है एक चीज़, 8 पिज़्ज़े, ठीक है। मैंने ग्रेट खाली की भी सुना था कि वो इतना मक्खन खाते हैं, इतना घी, इतना दूध, इतने वो स्लाइस वगैरह खाते हैं, अंडे खाते हैं, ठीक है, चिकन खाते हैं, उनका मैंने सुना है कि वो इतना कुछ खाते हैं, वो तो चीज़ें तो मान लेते हैं, पिज़्ज़े ग्रेट खाली कितने खा सकते हैं ये बताइएगा आप, कोई हिंदुस्तान में है कोई बंदा जो 8 पिज़्ज़े अकेले ही खा ले, 8 पिज़्ज़े अकेले ही खा ले, यार अमेजिंग वाली बात है, यकीन माने मेरी समझ से बाहर है कि वो कैसे खा गया 8 पिज़्ज़े, ठीक है जी। तो बाकी आपका क्या ख्याल है वीडियो के बारे में, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इन्जॉय करें, वीडियो को देख के इन्जॉय करें, और कमेंट में लाजमी बताइएगा खान बाबा ने आरपी से कैसे खाएं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।